7-8 साल पहले, भूख तो रहती है, बड़ा काम करो, और क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी लाइफ जाने देंगे। तो पेपर में देखा एफटी में, वर्ल्ड की अफ्रीका की लार्जेस्ट कॉपर माइन थी, तो वो कॉपर माइन थी वो फॉर सेल, तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही थी, बड़ा मन आ गया। दो चार लोगों से पूछा तो बोले शर्म नहीं आती ऐसा बात करते हुए, क्या बात करते हो तुम। हमने कहा अरे यार बात करने में क्या दिक्कत है, बात तो करो, देखो तो सही। तो देखा उसमें तो बड़ा काम था, 20,000 आदमी काम करते थे। तो हमारा एक दोस्त था मैकेंसी में, रंजीत पंडित, उसके पास गए, यार इसको कागज वागज बना, कागज बढ़िया बनाना, बनाए कागज वागज बनाए, ड्यू डिलीजेंस कराया करवाया, देखा, देख करके हमने उसका 400 मिलियन भाव रखा, पॉकेट में 4 मिलियन ही नहीं है, 400 मिलियन भाव रखा। बोले 25 मिलियन जो है अब चांस जरूर लेना लाइफ में, अपने सारे बैठे हुए हैं, चांस नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। अपने अलग क्यों हैं, इसीलिए अलग हैं कि अपने चांस लेते हैं। तो मैंने कहा चांस लेना है तो $25 मिलियन तो हम आपको कैश देंगे और 375 मिलियन इसको ठीक करना पड़ेगा, मशीनों को उसमें लगेगा। भूल गए, महीना डेढ़ महीना हो गई, फिर अचानक खबर आ गई, बोले आप आओ। तो फोन फान किया, पता लगाया, तो बोले हाँ साहब ये कंपनी आपकी हो रही है। तो मैं था, मेरे साथी को हमारा लड़का था प्रियंक, वो हमारा इंजीनियर था, उसको साथ में लेके हम यहाँ से जोहान्सबर्ग गए, जोहान्सबर्ग से फिर फ्लाइट चेंज करके लुसाका गए। प्लेन उतरा, देखा पुलिस रेड बत्ती यहाँ वहाँ, हमने कर बहुत बड़ा क्या मामला है। तो बोले साहब कितने लोग हैं आप लोग, तो मिनिस्टर आया हुआ था रिसीव करने के लिए, गाड़ियाँ आई हुई थी। तो बोले आज पार्लियामेंट में जाना है, आज अब प्रेसिडेंट हाउस चलना है, और आपके आदमी लोग कहाँ हैं। मैंने कहा प्रेसिडेंट से मिलना है, ज़रूरी है, तो मिलाते हैं। वो बार बार बोले आपकी डेलीगेशन कहाँ है। उन्होंने कहा डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन तो हम ही डेलीगेशन है। तो बोला तो वो ले गया प्रेसिडेंट से मिले, हम लोग प्रेसिडेंट साहब बहुत हिज एक्सेलेंसी, नो वी वर 30 पीपल इन आवर डेलीगेशन बट वी मिस द फ्लाइट इन जोहान्सबर्ग, यू नो कैन यू वेट टुमारो दे ऑल विल कम। नो, पार्लियामेंट इज देयर, यू टू डिसाइड टुडे, द की इज रेडी, सो आर यू रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी, सो दिस इज आई विल हैंडल इट। सो वो आया, क्या पार्लियामेंट हाउस, तो जिंदगी में अपने पहली बार ही देखा था, यू नो राम का नाम जपते हुए, छोटी सी माला हाथ में रखती है, उसको हाथ में रखते हुए, यू नो जपते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो हम बैठे, तो हम हमारा आदमी बैठ गया, प्रेसिडेंट भी हमारे बगल में आके बैठ गया, आके उसने पूरे पार्लियामेंट को समझाया कि कितने बड़े लोग हैं, कितना बड़ा इनका काम है, और ये हमारी ज़िंदगी संवार देंगे, और ये हमारे स्कूल बनाएंगे और कॉलेज बनाएंगे और ये करेंगे, और हम देखते रहे, भगवान का नाम लेते रहे, तू बनाएगा हम क्या बनाएंगे। वो कंपनी हमने ली, आज 9 साल से वो कंपनी हर साल हमें कम से कम $500 मिलियन और ऊपर में $1 बिलियन हर साल का देती जा रही है। चांस लेने की बात है, मैं तो कहानी बताता ही जाऊंगा। अभी हमारी तेल की कंपनी थी, उन्होंने कहा तेल की कंपनी और कोई ले ही नहीं सकता है,